हे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों और आज को एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो दोस्तों अभी आपको पता है कि अभी 23 तारीख को फ्री फायर गेम का अपडेट आया है और उसका एक नया वर्जन आया है और काफी ज्यादा उसमें नए नए चेंजेस हुए हैं। सो फाइनली आज सुबह से जब भी हम गेम खेल रहे हैं तो वहां पे सर्वर टाइम आउट आ रहा है 7 MM। सो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या किस चीज से वो ऐसा हुआ है कि हमारा गेम प्ले स्टार्ट नहीं हो रहा और कई बार तो ओपन ही नहीं हो रहा गेम और कई बार गेम के बीच में ही गेम बंद होके डायरेक्ट लॉबी में पहुंच जा रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपके हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अभी आपको पता है कि फ्री फायर का भी 23 सितंबर को एक अपडेट आया है और उसके बाद गेम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं। सो रिसेंटली अभी आप कोई भी गेम प्ले अगर खेल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेम स्टार्ट ही नहीं हो रहा और दूसरी बात अगर आप क्लैश स्क्वाड वगैरह खेल रहे हैं तो ये चल पड़ रहा है लेकिन एक गेम ओपन होने के बाद या गेम की ड्यूरिंग ही वो चीज़ बंद होकर आप दोबारा लॉबी में पहुंचने वाले हैं। सो जस्ट अभी मैं खुद गेम प्ले खेल रहा था तो फाइनली मैंने सोचा चलो गेम आखिरकार चल पड़े, लेकिन हर बार ही आपके साथ ऐसा होगा कि कितनी बार भी अगर आप गेम ओपन करेंगे तो आपका गेम डायरेक्टली बंद हो जाएगा और वहाँ पे लिखा आएगा टाइम सर्वर आउट 7 MM। सो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता दूँ क्योंकि रिसेंटली अभी इसमें नया अपडेट आया है और काफ़ी चेंजेस इसमें हुए हैं। सो सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा भी लोड होता है क्योंकि नई चीज़ें इसमें आई हैं और डायरेक्टली अभी मैं गेम प्ले खेल रहा हूँ, डायरेक्टली ये गेम बंद हो जाएगा और ये नॉर्मल सी चीज़ होती है दोस्तों और इसको मिनिमम एक हफ्ता तक लगेगा। देखिए अभी डायरेक्टली MM7 इस पर लिखा हुआ गया और गेम डायरेक्टली बंद हो गया और डायरेक्टली मैं लॉबी में पहुंच गया। सो दोस्तों बस बात इतना सा है, इसके नया अपडेट आया है और इसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अभी प्रॉपरली सेट नहीं होती हैं तो सर्वर को चलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम के साथ ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ना ही आपकी कोई आईडी हैक हुई है, ये बस अपडेट का इशू है क्योंकि अभी गेम अपडेट हुआ है। सो थोड़े से टाइम के लिए इशू रहता है, सो विद इन 1 वीक के अंदर ये चीजें सारी ठीक हो जाएंगी और आप दोबारा से अपनी गेम फ्री फायर का एंजॉय ले सकते हैं। सो विदाउट एनी टेंशन गेम खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दिल से इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस। Like a Hellcat.